गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष, संतोष श्रीवास्तव, सुपर 60 एजुकेशन हब में आपका वेलकम है। और मैं एक नए एडिटोरियल के साथ प्रेजेंट हूं आपके सामने। जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्लो रिलीज ऑन लॉकडाउन 3.0, यानी जो लॉकडाउन 17 मई तक एक्सटेंड किया गया, उस पर ये पूरा एडिटोरियल आपको दिया गया है। एक्चुअली देर आर नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स माय चिल्ड्रन, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द लॉकडाउन टिल 17th ऑफ मे, बट द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर नॉट बट गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल, यू कैन से दिस इज द लॉकडाउन इन विच देर आर नंबर ऑफ रिलैक्सेशंस। Now the plumbers can work, now the clinics may open, and a number of workers can join their work. The writer has given us an example of the state Kerala. Kerala took hardest, made a strict control over its people. And finally, there is the condition in which we can say that Kerala, or the condition of the Kerala in accordance with the COVID-19, is under control. So the government was forced to extend the lockdown. Why? Because of us, like surgeons. There are a number of surgeons who are not following the measures governed by the government properly, and so we have to suffer. So this is the article in which we can find that the corona has not disappeared completely. If there are some relaxations, it means we cannot live the life as we had been living. Hum wo jeevan nahi jee sakte hain abhi jo hum jee rahe the, when before the life of the corona. मीन्स कोरोना के जीवन से पहले जो हम जी रहे थे वो लाइफ अभी नहीं जी सकते हैं। देर आर नंबर ऑफ स्ट्रिक्ट मेजर्स वी हैव टू फॉलो, बहुत सारे कठोर उपाय हैं जिनका हमको अनुसरण करना होगा। वी हैव टू पुट ऑन आवर मास्क, वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली आफ्टर रेगुलर इंटरवल, वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मीन्स अ नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव टू फॉलो even though there are some relaxations given by the government. Okay, let's begin this editorial and see what is there. But first of all, we have to see the words. Okay, let's see. These are the words. First word, rigorous. Important word means sakht, jo cheez कठिन हो, सख्त हो, कठोर हो, वो रेगुरस होता है। मीन्स हार्ड हो, एडामेंट हो, ड्रास्टिक हो या राइम हो, ये सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हैं रेगुरस। तो रेगुरस क्या हो जाएगा? सख्त, कठोर। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंटाजियस। बच्चों, ये सारे जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, ये मैं पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि सब लोग फेस कर रहे हैं, तो सुपर 60 संतोष सर के नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करें, तो फिर वहां से आपको पीडीएफ और वीडियो सब कुछ वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। और जैसा मैंने कल कहा था, क्विज प्रोग्राम के रूप में आपको सारी वर्ड्स की एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो वर्ड्स देख लें, रिगोरस का सख्त हो गया, कठोर। नेक्स्ट वर्ड है कंटाजियस। बच्चों, दो वर्ड्स के डिफरेंस आपको जानने चाहिए, एक इन्फेक्शस और एक कंटाजियस। इन्फेक्शस क्या होता है? वायरल होता है। कंटाजियस क्या होता है? जो कॉन्टैक्ट के थ्रू आता है, ब्लड के थ्रू, ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू, या इस तरह चीजों के थ्रू आता है, वो कंटाजियस होता है। पर दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए लोग दोनों को इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं। तो कंटाजियस मीन्स होता है संक्रामक। जो चीज इन्फेक्शस हो वो संक्रामक है, जो चीज ट्रांसमिसिबल हो वो संक्रामक है, जो चीज कम्युनिकेबल हो वो संक्रामक है। तो कंटाजियस, संक्रामक। नेक्स्ट वर्ड है आपका जो अक्सर डिबेट्स वगैरह में यूज किया जाता है, डेथ टॉल। डेथ टॉल मीन्स मृतकों की संख्या।
यानी द नंबर ऑफ द पीपल डाइड इन एन एक्सीडेंट आर बाय अ डिजीज, यानी अगर कोई डिजीज से मर जाता है या फिर किसी एक्सीडेंट वगैरह में मर जाता है, कोई विपदा आ जाती है, उसमें जो लोग मरते हैं उन्हें उनकी संख्या को डेथ टॉल कहा जाता है, मीन्स मृतकों की संख्या। नेक्स्ट वर्ड है आपका लॉट, एक वर्ड आप यूज करते होंगे बच्चों, दे अपलॉडेड मी, अपलॉड मीन्स प्रशंसा करना है, विच इज लॉट भी आपका है, मीन्स गुणगान करना, प्रशंसा करना, मीन्स किसी को प्रेज करना, एक्सटॉल करना, हेल करना, अपलॉड करना, अक्लेम करना, कमेंड करना। अगर आप चाहें तो एक दो वर्ड हम लोग और जोड़ सकते हैं ना इसमें, याद आ रहा है कुछ वर्ड आपको जो यहां पे हम जोड़ सकते हैं बच्चों, कौन से वर्ड जोड़ सकते हैं कोशिश करें। पहला वर्ड हम लोग जो जोड़ सकते हैं वो ये हो जाएगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट जोड़ सकते हैं, दूसरा वर्ड जो जोड़ सकते हैं हम वो ये जोड़ सकते हैं, एडमायर जोड़ सकते हैं। जब आप किसी की मन ही मन प्रशंसा करते हैं तो आप उसको एडमायर करते हैं, और जब आप उसके सामने उसकी प्रशंसा करते हैं तो आप उसे प्रेज करते हैं, जब आप उसको किसी सफलता पे प्रशंसा करते हैं उसकी तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जब आप उसके उसकी लोगों के बहुत लोगों के सामने उसकी प्रशंसा करते हैं तो आप उसे चीयर करते हैं या अपलॉड करते हैं, और जब आप किसी पुरस्कार स्वरूप उसको उसको आप प्रशंसा करते हैं तो आप उसे अक्लेम करते हैं। एक्सटॉल उच्च प्रशंसा, गुणगान करने को कहते हैं, जो यहां लॉर्ड के रूप में है आपका। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बच्चों सेफ गार्ड्स, नाम से स्पष्ट आप समझ सकते हैं, वो गार्ड्स जो आपको सेफ करते हो, यानी सुरक्षा उपाय, ये सेफ गार्ड्स हो जाएंगे, ये आपकी प्रोटेक्शन के रूप में है, डिफेंस के रूप में है और शेल्टर के रूप में है। जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें लास्ट में एस ई होता है डिफेंस में, और जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो आपका सी ई होता है, इसलिए देखिए चूंकि विंडोज जो है अमेरिकन है, यहां सी ई को उसने अंडरलाइन कर दिया कि गलत है, लेकिन ये ब्रिटिश इंग्लिश में सही है आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या होता है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप टाल ना सकते हो, जो इनडिस्पेंसिबल हो बच्चों, जो अनअवॉइडेबल हो, इनएस्केपेबल हो, वह इनएविटेबल है, मीन्स जैसे कहते हैं डेथ इज इनएविटेबल, मौत क्या है निश्चित है, नो वन कैन एस्केप इट, कोई भी इससे बच नहीं सकता है, सो इनएविटेबल मीन्स अनिवार्य, तो ये अनअवॉइडेबल है, इनएस्केपेबल है। अगर आप अच्छा वर्ड यूज करना चाहते हो तो इनडिस्पेंसेबल भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं बच्चों, ये वर्ड है आपका स्टिपुलेशन, बेहतर वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टिपुलेशन मीन्स कोई शर्त, कोई बंधेज, स्टिपुलेट करना, कोई कंडीशन आपके सामने रखी जा रही हो, कोई प्रोविजन में शर्त रखी जा रही हो, कोई प्री रिक्विजिट में शर्त रखी जा रही हो, आवश्यकता बताई जा रही हो, दिस इज स्टिपुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटोकॉल, हिंदी में यहां लिखा है नवाचार, लेकिन एक जो प्रोसीजर होता है, मीन्स जो ऑफिशियल प्रोसीजर होता है वो आपका प्रोटोकॉल होता है, या फिर आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ रूल्स जो होते हैं वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। सिस्टम ऑफ रूल्स मीन्स किस तरीके से स्टेट ऑफ अफेयर्स को काम करना है, जैसे प्रधानमंत्री को कब किस समय किस तरह लोगों से मिलना है, किस तरीके से उनके साथ अपने संबंध निभाने हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रधानमंत्री जो है किसी को एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं करने जाता हो इंडिया का, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री आ रहे हो और फिर यहां के प्रधानमंत्री को लगा नहीं उन्हें रिसीव करना हमारे देश के लिए फायदेमंद रहेगा, तो फिर वो प्रोटोकॉल को तोड़कर, यानी एक तरह से उन नवाचारों को, नियमों को तोड़ करके उनकी अगवानी करते हैं। तो जो नियम होते हैं वो सिस्टम ऑफ रूल्स होते हैं, उन्हीं को प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह एक एटिकेट है, मीन्स आपका शिष्टाचार है जो आपको निभाना चाहिए, यह एक कन्वेंशन है, मीन्स एक प्रथा है, यह एक कस्टम है, मीन्स एक रीति, एक रिवाज है, ठीक है। ऐसा होता आया था लेकिन उस चीज को तोड़ करके, यानी उस प्रोटोकॉल को तोड़ करके ऐसा कहा किया गया, यही ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है पर्सनल, ध्यान रखिएगा ये वो पर्सनल नहीं है जो पर्सनल आपकी चीजें होती पी आर एस ओ एन एल, ठीक है, ये पर्सनल नहीं, ये पर्सनल है डबल एन ई एल, पर्सनल मीन्स जो कर्मचारी वर्ग होता है, अधिकारी वर्ग होता है, वो पर्सनल कहलाते हैं, ठीक है। तो पर्सनल मीन्स कार्मिक, यानी कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं
वो यहां पे आपको यूज किया गया कार में। यह स्टाफ को कहते हैं या जो एम्प्लाइज हैं उनको कहते हैं पर्सनल। नेक्स्ट आपका एक फ्रेज है कॉल फॉर, जरूरी इंपॉर्टेंट है, मेक नेसेसरी, किसी चीज की आवश्यकता हो, यानी किसी चीज की कोई डिमांड कर रहा है तो ही आर शी कॉल्स फॉर। जैसे आप चाय बना रहे हो, चाय को चीनी की आवश्यकता है ना, तो द टी कॉल्स फॉर सुगर, दिस इज कॉल फॉर, आवश्यकता होना, मंगवाना, जरूरत होना किसी चीज का, मीन्स रिक्वायर, आवश्यकता होना, नीड, जरूरत होना, नेसेसिटेट, उस चीज को आवश्यक बना देना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका एडहेरेंस, संयोग सभी कल आपने पढ़ा था ये वर्ड, एडिटोरियल पढ़ने के ही फायदा बच्चों, रिपीट होता जाएगा, याद हो जाएगा। एडहेरेंस आपको ये भी याद हो गया होगा कि एडहियर के साथ प्रीपोजिशन के रूप में टू लगाते हैं, लेकिन अबाइड के साथ हमेशा बाई लगाते हैं, नियम को मानने के संदर्भ में, और कंप्लाई के साथ विद लगाते हैं और होल्ड के साथ टू लगाते हैं। अगर आप चाहें मैं लिख दे रहा हूं बच्चे, एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। जैसे ये देख लें आप, अगर पहला आपको यूज करना हो तो क्या हो जाएगा आपका, अबाइड बाई हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चों, कंप्लाई विद है। तीसरा जो है वो है एडहियर टू, और चौथा आपका है होल्ड। ये प्रीपोजिशंस के लिहाज से भी और मीनिंग्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट, सबके मीन्स होता है पालन करना, किसी नियम, किसी कानून, किसी डिसीजन वगैरह जब आप पालन करते हैं तो यू अबाइड बाई, यू कंप्लाई विद, यू एडहियर टू और होल्ड टू। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका मैंडेटरी। मैंडेटरी आपने बहुत बार सुना होगा टीचर्स से, या जब चुनाव वगैरह होता है तो कहा जाता है कि वोट देना मैंडेटरी है, मीन्स क्या है बच्चों, आवश्यक है। तो मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य, यानी यह ऑब्लिगेटरी है, आवश्यक है, यह कंपल्सरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलक्टेंट। अगर कोई विलिंग होता है तो कार्य करने की इच्छा रखता है, लेकिन कोई अनविलिंग या रिलक्टेंट होता है तो वह कार्य करने की इच्छा नहीं रखता है, यानी रिलक्टेंट मीन्स क्या हो जाएगा, अनिच्छुक। जैसे आपके फादर कोई कार्य कह रहे हैं करने को, लेकिन आप उस कार्य को करना नहीं चाहते हैं, तो यू आर रिलक्टेंट, यू आर अनविलिंग, तो आप अनविलिंग है बच्चों, कार्य नहीं करना चाह रहे। विल मीन्स समझते होंगे इच्छा भी होती है। आप डिसक्लाइन है, मीन्स डिसइनक्लाइन है, इनक्लाइन मीन्स क्या होता है, इच्छा करना, तो डिसइनक्लाइन मीन्स अनिच्छा करना। आप ग्रजिंग है, यानी उस चीज को बुरा मान रहे हैं, नानुकूर कर रहे हैं आप, तो दिस इज रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छुक। नेक्स्ट वर्ड एडजर्न है। अक्सर आप न्यायालय के कोर्ट्स वगैरह में सुनते होंगे द मीटिंग इज एडजर्न, मीन्स न्यायालय क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है, तो एडजर्न। यहां मैं चाहूंगा दो तीन शब्दों को आप समझ लें, काम आएंगे आपको, अक्सर आप इनको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें बच्चों ये वर्ड्स आपके पास हैं, पहला डिले, दूसरा पोस्टपोन, नेक्स्ट एडजर्न और नेक्स्ट कैंसिल। डिले क्या होता है, जैसे कोई मैच है और बारिश हो गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया कि वो मैच जो है कुछ देर बाद होगा, डिले करेगा, लेकिन उस डिले का टाइम नहीं बताया गया आपको कितना देर बाद होगा, ये डिले करना होता है, यानी बिना समय बताए देर करना। पोस्टपोन क्या होता है, पोस्टपोन यानी समय बता दिया जाता है कि जैसे मैंने आज मैच होने वाला था, नहीं हो पाया तो बताया जाएगा मंडे को होगा, यानी मंडे तक उस मैच को क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। एडजर्न क्या होता है, कोई मीटिंग हो रही है, नॉर्मली ये मैच वगैरह पे लागू नहीं होता है, कोई मीटिंग हो रही है या कोर्ट चल रही है और वो कुछ देर के लिए स्थगित हो जा रही है, तो वो मीटिंग या कोर्ट एडजर्न कर दी जाती है, कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाती है। और कैंसिल रद्द कर देना, यानी मैच अगर कैंसिल हो गया, यानी अब वो मैच होगा ही नहीं, यानी वो डिले भी नहीं हुआ, पोस्टपोन भी नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया, मीन्स अब नहीं होने वाला। ओके, तो एडजर्न का हो जाएगा यहां पे आपका रद्द कर देना, स्थगित करना, यहां पे हो जाएगा। और ये वर्ड्स देख लें आप,
इसके सिनोनिम्स हैं जिनको भी मैं समझा दे रहा हूं। विदड्रॉ, विदड्रॉ मीन्स क्या होता है, वापस लेना। आप विड्रॉल फॉर्म भरते हैं ना पैसे निकालने के लिए। रिटायर, रिटायर मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, नॉर्मली ये रिटायर होता है। और रिट्रीट क्या होता है, पीछे हटना। जब कोई बारिश का या फ्लड का पानी अगर पीछे वापस जाता है तो वो रिसीड करता है बच्चों, RECEDE। लेकिन जब कोई सेना या कोई व्यक्ति वगैरह पीछे हटता है तो फिर वो रिट्रीट करता है। जब डर के मारे वो पीछे हट रहे हो तो वो रिट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है लेजिस्लेचर्स। समझते होंगे विधानसभाओं को लेजिस्लेचर्स कहते हैं, यानी जहां लेजिस्लेट किया जाता है, यानी जहां पर कानून का, विधान का निर्माण किया जाता है वो लेजिस्लेचर्स होता है, विधानसभाएं। नेक्स्ट वर्ड था आपका पैरिश। ये पैरिश वो पैरिश नहीं जो फ्रांस में है, ये पैरिस PERISH है। पैरिस में नष्ट हो जाना, जैसे नंबर ऑफ विलेजर्स पैरिश्ड ड्यू टू द COVID-19, यानी COVID-19 का बहुत सारे विलेजर्स क्या हो गए, नष्ट हो गए, मीन्स मर गए, खप गए वो। तो पैरिस का डाई यानी मर जाना, एक्सपायर समाप्त हो जाना, फॉल पतन हो जाना, लूज वंस लाइफ यानी मर जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपैट्रिएट। जैसे आप इंडिया में रहते हो लेकिन इंडिया को छोड़कर आप जाकर के अमेरिका में बस गए, तो इंडिया के लिए आप क्या है बच्चों, एक्सपैट्रिएट है, मीन्स क्या है, आप प्रवासी हैं। आप एक माइग्रेंट हैं, यहां से पलायन करके गए। आप एक डायस्पोरा हैं, यानी वहां के उस समूह में आप एक व्यक्ति हैं। आप इमिग्रेंट हैं, यानी आप अपना देश छोड़कर चले गए। ये दो वर्ड तो आपके ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं जो बच्चे मॉडरेट लेवल पे हैं उनके लिए, देख लें। और मैं इसे हिंदी में आपको अच्छे समझा दे रहा हूं। एक वर्ड जो अभी आप देख रहे हैं एमिग्रेंट, और एक होता अगर आपको याद हो इमिग्रेंट। बच्चों जैसे हम इंडिया में रहते हैं और हम इंडिया छोड़कर हम अमेरिका जा रहे हैं तो हम एमिग्रेंट है, पहला EMI। लेकिन कोई अमेरिका में रहता है और वो अपना देश छोड़कर भारत आ रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, इमिग्रेंट है। वैसे दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, सोच के देखिएगा, एक दूसरे देशों के लिए दोनों वही हो जाएंगे। लेकिन फिर से आप समझे, आप छोड़कर कहीं जा रहे हैं तो आप एमिग्रेंट है, EMI। आप आ रहे हैं किसी देश में तो आप इमिग्रेंट है, ठीक है। इसी इमिग्रेंट से इमिग्रेशन आपका बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों विजिल। एक वर्ड याद होगा आपको, विजिलेंट, याद है। विजिलेंट कौन होता है, जो सतर्क होता है, जागरूक होता है, जागता है, देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो विजिलेंट होता है। विजिलेंट क्या है, एडजेक्टिव है। ये किससे बना है, विजिल से। विजिल क्या है, नाउन। विजिल मीन्स जागरण, सतर्कता। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई बीमार है और उस बीमार की देखभाल करने के लिए रात भर हम जग रहे हैं तो हम विजिल हैं, मीन्स हम क्या है, जगराता कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, यानी हम अवेकनिंग हैं, जागे हुए हैं, वेक कर रहे हैं, जाग रहे हैं, विजिल वही है, दोबारा दे दिया गया। चलिए दो वर्ड्स बच्चों और है केवल, लिगेसी। ये लिगेसी मीन्स विरासत। जो चीजें लोग हमारे लिए छोड़ करके जाते हैं वो हमारी विरासत होती है, हमारी लिगेसी होती है, यानी एक तरह से कॉन्सिक्वेंस है, मीन्स उसका परिणाम क्या रहा, क्या मिला, एक अपशॉट है, मीन्स एक परिणाम है, लिगेसी है वो। लेकिन अगर कोई चीज पेवमेंट है, पेवमेंट मीन्स साइड वॉक, मीन्स फुटपाथ, यानी जो आप फुटपाथ पे चढ़ते हैं चलते हैं वो पेवमेंट या साइड वॉक या फुटपाथ होता है। ये वर्ड्स हैं बच्चों, PDF में जरूर देखिएगा, तैयार करिएगा, क्विज सॉल्व करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, सब कुछ करिए जिससे भी आप सफल हो सकते हो। और हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ, सो लेट्स गो अहेड। ये है बच्चों आपका एडिटोरियल आज का, स्लो रिलीज। स्लो रिलीज यानी धीरे धीरे राहत दी जा रही, रिलीज किया जा रहा है, अर्थात जो प्रतिबंध है उनको रिलीज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, मीन्स स्लो रिलीज, धीरे धीरे प्रतिबंधों का हटना। अन लॉकडाउन 3.3 उसी पर है ये पूरा एडिटोरियल आपका। लेस रिगोरस लॉकडाउन डज नॉट मीन कोविड 19
has been overcome. बच्चों जब भी has been, have been, had been, will have been, shall have been के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हम समझ जाएं कि वो सब्जेक्ट कार्य कर नहीं रहा है, सब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। जैसे आई कॉल हिम नहीं थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब मैं उसे बुलाता हूं, लेकिन आई एम कॉल्ड इस एमआर के बाद मैंने क्या लिया थर्ड फॉर्म, तो मुझे बुलाया जाता, ये अंतर आ जाएगा। चलिए देखें हिंदी समझते हैं। अ लेस रिगोरस, रिगोरस क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। तो लेस यहां क्या हो जाएगा आपका, डिटरमिनर हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, प्री डिटरमिनर हो जाएगा, ठीक है। लेस जानते होंगे आप, ये आपका लिटिल का कंपेरेटिव लेस है आपका। तो अ लेस रिगोरस लॉकडाउन यानी एक कम सख्त लॉकडाउन डज नॉट मीन का अर्थ नहीं होता है, यानी अगर उस लॉकडाउन में लेस रिगोरस किया गया यानी उस कठोरता को लेस कम किया गया है तो इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि COVID-19 हैज बीन ओवरकम, कि ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त करना होता है, तो पैसिव बनाए तो इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि COVID-19 पर विजय प्राप्त कर ली गई है, यानी COVID-19 ने विजय नहीं प्राप्त की है, COVID-19 पर विजय प्राप्त कर ली गई है, मतलब नहीं है किस चीज का, लेस रिगोरस लॉकडाउन का, यानी अगर लॉकडाउन में जो कठोरता थी उसे लेस किया गया, कम किया गया, तो डज नॉट मीन इसका ये मतलब नहीं है कि COVID-19 हैज बीन ओवरकम, कि COVID-19 पर विजय प्राप्त कर ली गई है, यानी COVID-19 समाप्त हो चुका है, ठीक। देखिए बच्चों ये पूरा अ लेस रिगोरस लॉकडाउन ना पूरा आपका यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि लॉकडाउन सिंगुलर है, इसीलिए यहां पे क्या लिया गया, डज नॉट का प्रयोग किया गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, बच्चों ये दोनों हो सकता था, ये जो बैलेंसिंग है यहां पे ना ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और ये एक जेरंड भी हो सकता है। ये कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और कब जेरंड होगा मैं आपको दो तीन वाक्यों उसके बाद समझा रहा हूं। देखें देखिए बच्चों काम आएगा, जो बच्चे अगर कहीं फंस रहे हो कि कैसे वो समझें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरंड है, पहले ये वाक्य लेते हैं, कॉलिंग मी ही केम इन, ठीक है, कॉलिंग मी ही केम इन। आप ध्यान से देखिए बच्चों इस वाक्य में सब्जेक्ट ही है ना, ही और फिर मेन वर्ब है केम, ही केम इन। जैसे ही आपने देखा कि उस क्लास में सब्जेक्ट दिया गया है तुरंत समझ जाएं कि कॉलिंग वहां पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ बच्चों, इसका फायदा समझने में हुआ कि जैसे ही आपने जाना कि यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसके हिंदी ता हुआ, ते हुए, ती हुई, कर, करके जैसा आ जाएगा, तब आप इसके हिंदी बना लेंगे क्योंकि यह पार्टिसिपल है ना, क्योंकि यहां सब्जेक्ट दिया गया है, इसका मतलब इसकी हिंदी होगी मुझे बुलाते हुए ही केम इन, वह अंदर आ गया। एक और पहचान है बच्चों इसको पहचानने की, यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कैसे, मी यहां पे क्या है, प्रोनाउन है ना, और मी के पहले क्या लगा है यहां पे, कॉलिंग लगा है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं यहां पे एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है या कर सकता है, इसलिए भी यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन जो मैंने आपको समझाया है वो ज्यादा आसान है, क्या कि इस क्लास में ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसकी हिंदी ता हुआ ते हुए निकलेगी। लेकिन अब ये वाक्य देखें आप, कॉलिंग मी इज नॉट इजी, ध्यान से देखें बच्चों, कॉलिंग मी के बाद क्या कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, सीधे देखें क्या आ गया आपके पास, प्रेडिकेट आ गया, इसका मतलब ये कॉलिंग मी ही यहां का क्या हो गया, पूरा सब्जेक्ट हो गया। जब जैसे ही सब्जेक्ट हुआ आईएनजी फॉर्म ना, तुरंत समझ जाए कि कॉलिंग यहां जीरंड है। अब ये जीरंड जानने का फायदा क्या हुआ, इसकी हिंदी, क्योंकि जीरंड की हिंदी नानी ने होती है, तब कैसे हिंदी निकालेंगे, कॉलिंग मी मुझे बुलाना आसान नहीं है, ये फायदा है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड समझने का। और भी आप आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझे बच्चों
तो ये और एक दो एग्जांपल देख लें, देख लें। डूइंग दिस वर्क इज वेरी टफ। बोले बच्चों यहां ये डूइंग दिस वर्क जो पूरा है ये यहां जीरंड होगा या पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा बच्चों? सोच के देखें, इसके हिंदी बनाएं, डूइंग दिस वर्क यह कार्य करते हुए इज वेरी टफ, बहुत कठिन है, ये कहना चाहेंगे, या यह कार्य करना बहुत कठिन है, यह कार्य करना बहुत कठिन है, क्यों? क्योंकि इस डूइंग दिस वर्क के बाद मैंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया। इसका मतलब डूइंग यहां क्या हो गया? जेरंड, और इसकी हिंदी क्या हो गई? नानी ने करना। लेकिन ये वाक्य देखें बच्चों, डूइंग दिस वर्क ही वाज लाफिंग। समझ गए होंगे बच्चों आप, 60-70% करें। यहां देखिए इस पूरे वाक्य को पढ़ के देखेंगे, हमारी मेन वर्ब्स क्या है? वाज लाफिंग है ना, तो फिर इनके लिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? ही। तो अगर ही सब्जेक्ट हो गया तुरंत समझ जाएं डूइंग यहां क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तुरंत समझ जाएं कि इसके हिंदी ता हुआ ते हुए हो जाएगा। तो डूइंग दिस वर्क यह कार्य करते हुए ही वॉज लाफिंग, वो क्या कर रहा था? हंस रहा था। अच्छा लगा होगा, छोटे से सेगमेंट पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरण को कैसे समझते हैं। क्लास में सब्जेक्ट है तो आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, उसकी हिंदी ता हुआ ते हुए निकलेगी, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो उस आईएनजी का हिंदी ना नीने निकलेगा और वो वहां पे सब्जेक्ट का काम करेगा। चलिए बच्चों फिर से वापस आते हैं, आप चाहेंगे तो कुछ सेंटेंसेस बनाइएगा, देखिएगा अब आप समझ रहे हैं कि नहीं, और वो समझने का कार्य आप कहां से शुरू कर सकते हैं बच्चों? यहीं से देखिए कि बैलेंसिंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स, वैसे देखिए कामा लगा है बच्चों, ये भी एक पहचान हो सकती है समझने की कि यह यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में अगर होता है ये पूरा तो फिर आगे आपको कामा की कोई आवश्यकता नहीं होती। और अब आप देखें बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स के बाद, लाइवलीहुड्स के बाद सब्जेक्ट है ना, द सेंटर के लिए आपने क्या लिया? हैज, यानी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। जब ये सब्जेक्ट हो गया तो बैलेंसिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ तो इसके हिंदी ता हुआ ते हुए, ती हुई, कर करके, ऐसे हो जाए। अब देखिए समझना आसान है, बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, लाइव्स मीन्स जीवन और लाइवलीहुड आजीविका, यानी जीवन, लोगों के जीवन और उनकी आजीविका को बैलेंस करते हुए, संतुलित करते हुए, द सेंटर हैज एक्सटेंडेड, देखिए हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटर ने यानी केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है क्या? द नेशनल लॉकडाउन, राष्ट्रीय लॉकडाउन को, फॉर कोविड 19, किसके लिए? कोरोना वायरस 2019 के लिए, फॉर 2 weeks, और कितने समय के लिए बढ़ा दिया? 2 सप्ताहों के लिए, फ्रॉम May 14, और कब से बढ़ाया? 4 मई से। ओके, विद, विद मीन्स के साथ, समझते होंगे, विद के साथ, किसके साथ? फ्यूवर रेस्ट्रिक्शंस, यानी कुछ बाध्यताएं होंगी, कुछ प्रतिबंध होंगे ऑन एक्टिविटी, यानी अब आपके कार्यों पर कुछ प्रतिबंध होंगे, यानी कहीं कहीं इसमें क्या दी गई है आपको? ढील दी गई है आपको, स्लो रिलीज दिया गया, यानी प्रतिबंधों को कम किया गया है। बट लेकिन द हाईली कंटाजियस वायरस, समझना सीखें बच्चों, ये हैस बता रहा है कि वायरस यहां हमारा सब्जेक्ट है ना, तो वायरस के पहले कंटाजियस क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, वैसे भी आई ओ यू एस हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव है तो हाईली क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब। वैसे भी हाई प्लस एल वाई एडजेक्टिव प्लस एल वाई है, मीन्स एडवर्ब है। फिर से देखें बच्चा, करें बट लेकिन द हाईली कंटाजियस वायरस, लेकिन ये जो बहुत अधिक संक्रामक वायरस है, हैज नॉट डिसअपीयर्ड, जैसे हैव हैज हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आए, या है, ई है, चुके हैं, चुका है, ऐसे हिंदी बनाना सीख लें। लेकिन द हाईली कंटाजियस वायरस,
लेकिन ये बहुत अधिक संक्रामक जो वायरस है, हैज नॉट डिसअपियर्ड, वो क्या नहीं हुआ है, विलुप्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है। एंड और द वीक्स एहेड, यानी कई सप्ताहों आगे यानी बाद भी, प्रेजेंट क्या प्रस्तुत कर रहा है, चुनौती प्रस्तुत कर रहा है ना, अ चैलेंज, चुनौती प्रस्तुत कर रहा है टू स्टेट्स, किनको, राज्यों, यानी भारतीय राज्यों को ये चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। दे किसके लिए होगा पता है बच्चों, ये समझना सीखें धीरे, ये दे यहां राज्यों के लिए है, वायरस के लिए दे तो लगाएंगे नहीं। दे मस्ट, जैसे मस्ट आया ना तुरंत समझ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दे मस्ट इंश्योर, मैंने कई बार कहा बच्चों, समझ रहे हैं क्या कहा, कि एडिटोरियल पढ़ने से बहुत फायदा होगा आपका, क्या कि अब ये वर्ड्स आपको रिपीटेड हो जाएंगे, इंश्योर याद हो गया होगा, सुनिश्चित करना, इंश्योर आई एन एस यू आर क्या होता है, बीमा करना, याद है। चले करें कि है ना, एंड द वीक्स एहेड हो गया, दे मस्ट इंश्योर, इन राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए दैट की, अब जैसे दैट आपने देखा ना तुरंत समझ जाए इसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, दैट द गेन्स, देखिए यहां नाउन के रूप में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, द गेन्स यानी वो लाभ, वो जो आपने लाभ फ्रॉम द लॉकडाउन, लॉकडाउन से प्राप्त किया, यानी वो लाभ जो आपने लॉकडाउन से प्राप्त किया, इन टर्म्स ऑफ अ रिलेटिवली लो डेथ, किस चीज की तुलना में, कम मृत्यु की तुलना, यानी लॉकडाउन किया आपने और वहां पर, यानी जिन जिन राज्यों, यानी देश में राज्य में लॉकडाउन घोषित हुआ, वहां वहां पे रिलेटिवली लो डेथ टॉल, डेथ टॉल याद हो गया, मृतकों की संख्या, वहां पे मरने वालों की संख्या रिलेटिवली लो रही, यानी तुलनात्मक रूप से क्या रही बच्चों, कम रही, देखिए रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव है ना डिग्री। एंड और अ कैप, और एक कहीं कहीं सीमा लगी रही, सीमा बनी रही, सीमित रहा ऑन न्यू केसेस, इन पर नए मामलों पर, लॉकडाउन के कारण मृतकों की संख्या कम हुई। एंड अ कैप ऑन न्यू केसेस, और जो नए केसेस हैं उनकी सीमा जो है आर नॉट रिवर्स्ड, पहले हम यहां तक बच्चों फिर से आपको समझा लें क्योंकि तो आप यहां फंस रहे होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए बच्चों यहां से देखें आप, बट लेकिन द हाईली कंटाजियस वायरस हैज नॉट डिसअपीयर्ड, ये जो बहुत अधिक वाटर कंटाजियस वायरस है, मीन्स वाटर संक्रामक वायरस है, हैज नॉट डिसअपीयर्ड, ये खत्म नहीं हुआ है। एंड और द वीक्स एहेड, यानी जो सप्ताह है आगे अभी हमारे या जो चल रहे हैं, प्रेजेंट यहां वर्ब है बच्चों, प्रेजेंट और चैलेंज, वो एक चुनौती प्रस्तुत कर रहा है टू स्टेट्स, किनके लिए, राज्यों के लिए। अब हम इसे दूसरे तरीके से समझते हैं, ये प्रेजेंट किसके लिए बच्चों पता है, ये प्रेजेंट है वीक्स, समझिएगा वीक्स एहेड, यानी वो सप्ताह जो आगे आने वाले हैं, प्रेजेंट और चैलेंज टू स्टेट्स, राज्यों के लिए निश्चित है, क्या उत्पन्न कर रहे हैं, क्या करेंगे, चुनौतियां उत्पन्न करेंगे। दे यानी राज्यों के लिए, दे मस्ट इंश्योर, राज्यों के सुनिश्चित करना चाहिए दैट की द गेन्स यानी वो लाभ हो। अब आप देखेगा बच्चों यहां कहीं भी वर्ब नहीं मिल रही आपको, द गेन्स फ्रॉम आ गया, यानी वर्ब अभी आगे होगी, यानी वो लाभ हो फ्रॉम द लॉकडाउन, जो हमने लॉकडाउन से प्राप्त किया, इन टर्म्स ऑफ अ रिलेटिवली लो डेथ, किस रूप में, कम मृत्यु के रूप में, यानी मृतकों की संख्या कम रही लॉकडाउन के रूप में। और क्या हुआ बच्चों, एंड और अ कैप ऑन न्यू केसेस, कहीं कहीं नए जो मामले थे उन पर कैप, उन पर क्या लगा, कुछ प्रतिबंध लगा, उन्हें सीमित किया गया, तो राज्यों के सुनिश्चित करना होगा कि वो गेन्स, वो जो लाभ मिला लॉकडाउन का, आर नॉट, यहां जुड़े बच्चों, आर नॉट रिवर्स्ड ओवरनाइट, कहीं वो रातों रात पलट न जाए इन द रेड ऑरेंज एंड ग्रीन जोन, किस रूप में, रेड जोन के रूप में, ऑरेंज जोन के रूप में एंड ग्रीन जोन के रूप में, कहीं ये रातों रात क्या ना हो जाए, पलट न जाए, ये चीज दे मस्ट इंश्योर, उन राज्यों को क्या करना होगा, सुनिश्चित करना होगा, मतलब समझ रहे ना, ड्यू टू द लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया फाउंड अ लॉट ऑफ एडवांटेज, लॉट ऑफ बेनिफिट, बहुत लाभ मिला, द डेथ टॉल वॉज वेरी लो, इज वेरी लो यू कैन से, मीन्स जो
मृतकों की संख्या है वो बहुत कम है, तो इसका उन्हें क्या लेना चाहिए? लाभ लेना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवर्स ओवरनाइट इन द रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन, और उस लाभ को वो खो दें और फिर उनके यहां कोई रेड जोन, कोई ऑरेंज जोन और कोई ग्रीन जोन बन रहा हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेयर, जहां, जब भी वेयर के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए तुरंत समझ जाए उसके मीन्स जहां। जहां नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी मीन्स सामान्य होने की प्रक्रिया, नॉर्मैलिटी ऑफ वेरिंग डिग्रीज, यानी जो अलग अलग अवस्थाएं हैं इनका जो सामान्य क्रिया है, इज टू बी रिस्टोर्ड, उसे क्या करना है, वापस ले आना है, बारिंग द कंटेनमेंट जोन। बारिंग क्या पता है बच्चों? प्रीपोजिशन है। बारिंग मीन्स को छोड़कर, के सिवाय, यानी जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, अर्थात वो जोन्स जो कंटेनमेंट अर्थात जहां पे अभी प्रतिबंध है, उन क्षेत्रों को छोड़ करके उनके सिवाय जो बाकी जहां पर नॉर्मैलिटी ऑफ वेरिंग डिग्रीज है, अलग अलग प्रकार का सामान्यीकरण मीन्स स्थिति सामान्य हो रही है, इज टू बी रिस्टोर्ड, तो उसे रिस्टोर करना है, उसे पुनः प्राप्त करना है। देखें बच्चों, केरला यानी केरल लॉडेड फॉर इट्स सक्सेस इन कंटेनमेंट। ये केरल ने लॉड नहीं किया बच्चों, केरल को लॉड किया गया, मीन्स उसकी प्रशंसा की गई, पैसिव वॉइस है हम इसे ऐसे पढ़ें, केरला विच इज लॉडेड फॉर, है ना, जिसकी प्रशंसा की गई, फॉर इट्स सक्सेस, किस चीज के लिए, उसकी सफलता के लिए, इन कंटेनिंग द पैंडेमिक, याद है कंटेन, नियंत्रित करना, प्रतिबंधित करना, रोकथाम लगाना, किस चीज के लिए केरल की प्रशंसा करनी चाहिए, इन कंटेनिंग द पैंडेमिक, कि उसने उस महामारी पर क्या प्राप्त किया, नियंत्रण प्राप्त किया, उस केरला ने हैज चोजन, अब देखिए केरल के लिए वर्ब आ गई, उस केरल ने हैज चोजन, चुना है, टू रिटेन सम कर्ब्स, रिटेन मीन्स क्या होता है बच्चों, बनाए रखना, कर्ब्स मीन्स लगाम, प्रतिबंध, यानी केरल ने क्या चुना है, टू रिटेन सम कर्ब्स, कि वो कुछ प्रतिबंधों को बनाए रखेगा, इवन इन ग्रीन जोन्स, कहां पर, यानी वो जोन्स, वो क्षेत्र जिन्हें ग्रीन जोन का दर्जा दे दिया गया है, यानी जहां पर नए केसेस नहीं आ रहे हैं, उन केसेस पर भी, इवन पर भी सम कर्ब्स, कुछ न कुछ लगाम अभी केरल लगाए रखेगा, उसे रिटेन करेगा। याद करें मुंबई ने कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया है, अर्थात उन्हें बनाए रखा, यही ना। अलाउिंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, अलाउिंग यहां बच्चों क्या है, देखिए सब्जेक्ट के रूप में है, क्यों, क्योंकि देखेगा भी कैसे, अलाउिंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी दो नॉट एट फुल पेस, यानी मैंने कहा जब भी दो कॉमा के बीच में कोई चीज हो तो उसे पहले पढ़ लेते हैं, दो नॉट एट फुल पेस, यद्यपि नॉट एट फुल पेस, यद्यपि भी पूरी रफ्तार से नहीं है, लेकिन अलाउिंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ कुछ मात्रा में आर्थिक जो गतिविधियां हैं उन्हें अलाउ करना, ये ना नानी ने आया ना, अलाउ करना, एंड और अंडर सेफ गार्ड्स, और किस चीज के अधीन, सुरक्षा उपायों के अधीन। और अब देखिए बच्चों आपकी वाज आई, ये वाज किसके लिए है, अच्छे बच्चे समझ सकते हैं, ये वाज इस जीरंड के लिए है, अलाउिंग के लिए, क्यों, क्योंकि अलाउिंग एक जीरंड है, और मैंने कहा वह जीरंड इन्फिनिटिव और क्लॉज हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, ठीक है। अब फिर देख लें, करें अलाउिंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कुछ आर्थिक गतिविधियों को अलाउ करना, यद्यपि आप उन्हें पूरी रफ्तार से नहीं अलाउ कर रहे हैं, एंड अंडर सेफ गार्ड, और कैसे अलाउ कर रहे हैं, सुरक्षा उपायों के अधीन कर रहे हैं, वो अलाउ करना वाज इनएविटेबल, क्या था, बिल्कुल निश्चित था, यानी आप उसे टाल नहीं सकते थे, ऑल्दो, यद्यपि कि द स्टिपुलेशंस, यद्यपि शर्तें, इन द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर, होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर में जो शर्तें हैं, रिक्वायर, जरूरत है उन शर्तों को, अ हाई डिग्री ऑफ सिविक कोऑपरेशन, कि बहुत अधिक डिग्री में, अवस्था में सिविक कोऑपरेशन, अर्थात यहां के नागरिक क्या करें, उनमें सहयोग करें, समझ रहे होंगे आप।
करें द कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ एयर रेल इंटर स्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। समझ सकते हैं कि कंटिन्यूस सस्पेंशन, जो निरंतर सस्पेंड किया गया मीन्स रोके रखा गया है, किस चीज को? एयर यानी हवाई यात्रा को, रेल यात्रा को, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है उसको, एंड और अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और अर्बन पब्लिक यानी जो शहरी ट्रांसपोर्ट होता है उसको, इन सब को क्या किया गया है? रोके रखा गया है। एंड और द बार ऑन मास गैदरिंग्स, बार मीन्स प्रतिबंध, द बार ऑन मास गैदरिंग लोगों की भीड़, और जो लोगों की भीड़ पर प्रतिबंध लगाया गया है, एंड इंटरटेनमेंट वेन्यूज, और जो सिनेमा हॉल वगैरह इंटरटेनमेंट वेन्यूज जो है बंद रखे गए हैं, रिमूव। ये रिमूव किसके लिए बच्चा है बच्चों? ये द कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ एयर रेल इंटर स्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द बार, इतने सारे सब्जेक्ट्स, तो इनके लिए वर्ब क्या आएगी आपकी? प्लूरल आएगी। ये सारी चीजें जो है रिमूव अ मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग, ये सब जो है रिमूव अ मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग, यानी भीड़ होने का जहां जरिया होता है, रिमूव उस जरिया को ये खत्म कर देते हैं। कौन? क्योंकि आपने जो इंटरटेनमेंट एवेन्यूज है उनको आपने रोके रखा है, बार किया हुआ है, आपने एयर रेल ट्रांसपोर्ट जो है मतलब हवाई यात्राएं इनको सब आपने बंद किया हुआ है, जो अर्बन वो और व्हाट कहा गया आपका अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे आपने रोके रखा हुआ है। ये सारी चीजें क्या करती हैं बच्चों? रिमूव अ मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग, ये कहीं कहीं लोगों को इकट्ठा होने का जो वो होता है उसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये रहेंगे नहीं, चलेंगे नहीं तो आप इकट्ठे नहीं होंगे। ऑल्दो, यद्यपि कि, ऑल्दो द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यानी जो यात्रियों की संख्या है उन पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी जो प्रतिबंध हैं, अलाउड इन प्राइवेट व्हीकल्स, जो प्राइवेट व्हीकल्स के लिए अलाउ किए गए हैं, एंड टैक्सी कैब्स, और जो किराए के भाड़े के टैक्सीज के अलाउ किए गए हैं, एंड और द प्रोटोकॉल फॉर पर्सनल इन इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों में जो उनके कर्मचारी हैं उनके लिए जो प्रोटोकॉल तय किया गया है, मीन्स जो नियम कानून तय किए गए हैं, कॉल फॉर, देखिए ये सारी चीजें मिलकर सब्जेक्ट बनी ना, कॉल फॉर, ये जरूरत है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस कि हम कठोर एडहेरेंस अनुपालन करें, कठोरता के साथ अनुपालन करें, टू सक्सीड, क्या होने के लिए? सफल होने के लिए। ठीक है, देखिएगा बच्चों, अगर कोई दिक्कत होगी बोलिएगा मेरे इस कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, अलाउिंग आउट पेशेंट क्लिनिक्स, ऐसे क्लिनिक्स को अलाउ करना, करना यानी जिरंड है, ऐसे क्लिनिक्स को अलाउ करना जो आउट पेशेंट यानी जहां बिल्कुल मरीज वगैरह नहीं जाते रहे हो, टू रीओपन, उन्हें क्या करना, किस चीज के अलाउ करना, कि पुनः खोले जा सके, एंड और द परमिशन, और वो अनुमति गिवन फॉर प्लम्बर्स, जो प्लम्बर्स के लिए आपने परमिशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियंस को आपने परमिशन दिया हुआ है, एंड अदर टेक्नीशियंस टू वर्क विद सेफ गार्ड्स, और अन्य टेक्नीशियंस को जो आपने अनुमति दी हुई है टू वर्क विद सेफ गार्ड्स, तो कार्य करें लेकिन वो सुरक्षा के उपाय भी अपनाएं, आर वेलकम, ये आपका जो अलाउ आपने किया है ये सारी चीजों को, आर वेलकम, ये आपका स्वागत योग्य कदम है आपका। ठीक है, किनका? सरकार का। द रिलैक्सेशन प्रोसेस, ये जो रिलैक्सेशन यानी थोड़ी सी राहत देने की प्रक्रिया है, कैन बी ईज्ड ग्रेटली, इसे और आसान बनाया जा सकता है, इफ यदि स्टेट्स अडॉप्ट अ हाउ टू अप्रोच, यदि जो राज्य हैं वो अपना लें अ हाउ टू अप्रोच, कि वो कोई चीज कैसे करें, एंड और कम्युनिकेट टू सिटीजंस क्लियरली, और अपने नागरिकों के साथ कम्युनिकेट करें, मीन संवाद स्थापित करें क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से उनसे बातचीत करें। तो ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है ना, इसे और अधिक, कैन बी ईज्ड, इसे और अधिक आसान बनाया जा सकता है, पैसिव वॉइस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज, यानी जब आपके पास मेडिकल रेमेडीज यानी जो स्वास्थ्य उपचार हैं वो उपलब्ध नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में,
प्रिवेंशन जो रोकथाम है बच्चों रिमेन्स द वनली ऑप्शन, केवल वही इकलौता विकल्प होता है अगेंस्ट द वायरस, किस चीज के खिलाफ, वायरस के खिलाफ। वनली हमेशा उस शब्द के पहले लगाएं जिसके बारे में वो बता रहा है। इकलौता ऑप्शन है प्रिवेंशन जो हम वायरस के खिलाफ अपना सकते हैं, कब, इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज, जब हमारे पास मेडिकल रेमेडीज यानी स्वास्थ्य उपचार नहीं है। यूजिंग फेस मास्क नाउ मैंडेटरी, हैंड वॉशिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, सब देखे जीर्ण से बच्चों, एट ऑल टाइम्स, और देखे इसके बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया, फिर से देखें, यूजिंग फेस मास्क यानी फेस मास्क यूज करना, नाउ मैंडेटरी जो कि अब मैंडेटरी हो चुका है, मीन्स अनिवार्य हो चुका है, और क्या, हैंड वॉशिंग यानी हाथ धोले अपने, एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें एट ऑल टाइम्स, वो भी कब, सारे समय। ये सारी चीजें आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड प्रिकॉशंस, यूनिवर्सली हर तरफ सार्वभौमिक रूप से रिकॉग्नाइज्ड मानी गई, पहचानी गई, और प्रिकॉशंस मीन्स सावधानियां, सतर्कताएं हैं। यानी अगर आप ये सब चीजें करते हैं, क्या आप फेस मास्क यूज करते हैं जो मैंडेटरी है, हैंड वॉश करते हैं आप, और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं हर समय, तो आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड प्रिकॉशंस, तो आप क्या करते हैं, आप पूरे विश्व भर में जो मानी गई मान्य परम वो है सावधानियां हैं, आप उनको फॉलो करते हैं क्योंकि ये मान्य है हर तरफ। नेक्स्ट बच्चों, सच मेजर्स, देखे सच के बाद ए नहीं लिया गया, क्यों, क्योंकि यहां पे प्लूरल नाउन था आपका। सच मेजर्स मीन्स ऐसे उपाय वर एडॉप्टेड, अपनाए गए थे रिलेटिवली लेट, फिर देखे रिलेटिवली का लेट सिंगुलर अरे पॉजिटिव डिग्री यूज किया गया है ना बच्चों, और आप देख रहे होंगे वर्ड्स बार बार रिपीट होते रह रहे हैं बच्चों, करें सच मेजर्स ऐसे उपाय वर एडॉप्टेड रिलेटिवली लेट इन इंडिया, इन्हें भारत में कब अपनाया गया, तुलनात्मक रूप से थोड़ा देर से अपनाया गया, विद पॉलिटिशियंस इनिशियली रिलेक्टेंट, क्योंकि जो राजनीतिज्ञ थे वो थोड़े से शुरुआती तौर पे रिलेक्टेंट अनिच्छुक थे, किस चीज के लिए, टू इवन एडजर्न लेजिस्लेचर, यहां तक कि वो विधानसभाओं को स्थगित भी नहीं करने के लिए इच्छुक थे। वो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में 23 या 24 मार्च तक या 25 मार्च तक वहां का लेजिस्लेचर चलता रहा। लीव अलोन इम्पोज स्ट्रिक्ट कर्व्स ऑन पब्लिक एड, ये मैं लाइन फिर से समझाना चाहूंगा, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर इसका है, देखिएगा बच्चों, करें सच मेजर्स वर एडॉप्टेड रिलेटिवली लेट इन इंडिया, यानी जो उपाय थे, कौन से उपाय बच्चों, यूजिंग फेस मास्क, हैंड वॉशिंग एंड फिजिकल डिस्टेंस, ये सच मेजर्स वर एडॉप्टेड रिलेटिवली लेट इन इंडिया, ये सारी चीजें भारत में तुलनात्मक रूप से देर से अपनाई गई, क्यों, क्योंकि विद पॉलिटिशियंस इनिशियली रिलेक्टेंट, क्योंकि शुरू में इनिशियली यानी आरंभ में जो राजनीतिज्ञ थे वो अनिच्छुक थे, टू इवन एडजर्न लेजिस्लेचर्स, यानी यहां तक कि वो विधानसभाओं को भी स्थगित नहीं करना चाहते थे, लीव अलोन यानी बात ही छोड़िए, किस चीज की, इंपोज स्ट्रिक्ट कर्व्स ऑन पब्लिक एक्टिविटी, यानी सार्वजनिक क्रियाकलाप पर प्रतिबंध, कड़े प्रतिबंध थोपने के लगाने की बात ही छोड़िए, वो तो लेजिस्लेचर वगैरह भी क्या नहीं करना चाहते थे, स्थगित नहीं करना चाहते थे। इट हैज टेकन मोर देन अ मंथ, करीब कितने लग गए हैं, एक महीने से अधिक हो चुके हैं, टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स बैक टू देयर होम स्टेट्स बाय ट्रेन, फिर से देखे बच्चों लाइन मैंने उल्टी पड़ी, ऐसे देखें, इट हैज टेकन मोर देन अ मंथ, यानी करीब एक महीना ज्यादा लग चुका है, टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स बैक, क्या करने के लिए, क्या माइग्रेंट्स को यानी अपने कामगार वगैरह जो थे वर्कर्स उनको वापस ले आए, देयर होम कहां, उनके घर, होम स्टेट्स उनके गृह राज्यों में, बाय ट्रेन, किस चीज के द्वारा, ट्रेन, यानी आज एक महीने हो गए और अब हम जा करके उन कामगारों को, वर्कर्स को उनके गृह राज्यों में ले आ रहे हैं। इन द इंटरिम बच्चों क्या होगा, इस बीच, इस अंतराल पर, इन द इंटरिम, इन द इंटरिम
सेवरल डेस्परेट फैमिलीज, इसके बीच में क्या हुआ बच्चों, बहुत सारे जो डेस्परेट फैमिलीज थे, बेहाल परिवार थे, हैव ट्राइड, उन्होंने कोशिश की है टू वॉक होम अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, बहुत दूरी तय करके टू वॉक होम, वो अपने घर पैदल चल के आए, एंड मेनी हैव पेरिश्ड, और उनमें से बहुत सारे क्या हो गए बच्चों, मर गए वो। बिसाइड्स इंश्योरिंग, याद है इंश्योरिंग, सुनिश्चित करना, बिसाइड्स याद है के अलावा, बिसाइड्स इंश्योरिंग डिसेंट कंडीशंस फॉर दीज वर्कर्स, यानी इन वर्कर्स की जो इस समय के डिसेंट कंडीशंस हैं, इनको सुनिश्चित किए बिना, एंड द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित मतलब करने के अलावा, यहां से लाइन फिर से ले बच्चों, यानी एक तरफ राज्यों को क्या करना है बच्चों, इंश्योरिंग डिसेंट कंडीशंस फॉर दीज वर्कर्स, इन वर्कर्स के लिए अच्छा माहौल उत्पन्न करना है, एंड द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों की शिक्षा बेहतर बनानी है, इनके अलावा स्टेट्स मस्ट आल्सो प्रिपेयर, राज्यों को यह भी तैयारी करनी है फॉर द अराइवल ऑफ एक्सपैट्रिएट वर्कर्स, कि जो प्रवासी हमारे कामगार हैं उनके आगमन अराइवल, उनके लिए भी तैयारी करनी है, इन लार्ज नंबर्स जो बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं फ्रॉम वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया से, एंड एल्सवेयर, और अन्य स्थानों से। ठीक है, चलिए बच्चों कुछ लाइनें और हैं देख लें, करें दीज अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर्स, ये जो अभूतपूर्व दबाव हैं, एड ये जोड़ देते हैं टू द नीड टू नीड टू, यानी और आवश्यकता जोड़ देते हैं टू मेंटेन द हाईएस्ट विजिल, कि हम बहुत अधिक सतर्कता दिखाएं अगेंस्ट कोविड 19, किसके खिलाफ, कोविड 19 के खिलाफ। अनसरप्राइजिंगली, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कि द बिगेस्ट सिटी, जो बड़े बड़े शहर हैं, सबसे बड़े शहर हैं, विद अ लिगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज, जहां पर इस तरीके का हाउसिंग पॉलिसीज हैं जो मार्केट ड्रिवन है, मीन्स मार्केट के द्वारा ड्राइव की जाती हैं, ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं, अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन, जहां इस तरीके से उनकी प्लानिंग की गई है, डेंसिफिकेशन कि लोगों के बीच जो घनत्व है बहुत ज्यादा है, कोई उनकी बिना योजना बनाए सब कुछ किया गया, रैम्पेंट पोल्यूशन, व्यापक प्रदूषण है, एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस, और स्वास्थ्य की बेकार सेवाएं हैं, मीन्स कमजोर सेवाएं हैं, ये सारी चीजें आर रेड जोन्स, ये क्या है, खतरे के सूचक हैं, विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स, क्योंकि यहां बहुत अधिक लोग इन्फेक्शन क्लस्टर्स के रूप में, मीन्स एक दूसरे को क्या करते रहे हैं, संक्रमित करते रहे, क्योंकि ज्यादा डेंसिफिकेशन है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे तो अपने आप एक दूसरे को संक्रमित करते रहेंगे। देयर डीके इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स, यानी देयर मीन समझ रहे बच्चों, ये द बिगेस्ट सिटीज के लिए लगाया गया, देयर डीके इज मार्क्ड, यानी उनका जो क्षरण है इस मार्क्ड, वो देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन, ये जो साधारण चीजें होनी चाहिए, कॉमन चीजें होनी चाहिए, बाय द एब्सेंस, वो भी वहां नहीं है, इंक्लूडिंग पेवमेंट्स इन नॉर्मली क्राउडेड लोकेलिटीज, यहां तक कि फुटपाथ वगैरह भी उन्होंने नहीं बनाए हैं उन स्थानों पर जो नॉर्मली क्राउडेड लोकेलिटीज है, यानी जो सामान्य रूप से भीड़ भाड़ वाले स्थान है, मेकिंग इट डिफिकल्ट, जिसकी वजह से कठिन हो जा रहा है टू मेंटेन डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से क्या बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, क्यों, क्योंकि वो जो बिगेस्ट सिटीज हैं बच्चों, क्योंकि वो जो बिगेस्ट सिटीज हैं विद अ लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज, क्योंकि हाउसिंग पॉलिसीज उनकी पैसों के लिए होती है, कमाई के लिए होती है, अनप्लान डेंसिफिकेशन, कितनी कितनी दूरी पर घरों को रखना है कोई प्लानिंग नहीं किया उन्होंने, रैम्पेंट पोल्यूशन, बहुत अधिक प्रदूषण है, और वहां स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं भी नहीं है, ये चीजें आर रेड जोन्स, खतरे के सूचक हैं, विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स, और यहां पे बहुत अधिक क्लस्टर्स के रूप में, यानी बहुत अधिक इन्फेक्शन, अर्थात लोग एक दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं,
Their decay is marked by the absence of usable commons. आप उनके क्षरण को, उनके पतन को देख सकते हैं. कैसे? कि वो यूजेबल कॉमन्स को भी उन्होंने नहीं दिया वहां पे. यानी जो सामान्य चीजें होनी चाहिए थी उन शहरों में वो भी नहीं है. इंक्लूडिंग किस चीज को लेकर के? पेमेंट्स. यानी फुटपाथ भी नहीं उन्होंने बनवाया इन नॉर्मली क्राउडेड लोकलिटीज, उन स्थानों पे जो नॉर्मली क्राउडेड लोकलिटीज, ऐसे स्थान जो नॉर्मली साधारण थे वहां पे क्या भीड़ भाड़ रहती है. मेकिंग इट डिफिकल्ट, जिससे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है टू मेंटेन डिस्टेंसिंग. क्या मेंटेन करने में? डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखने में. ये अंतिम लाइन है बच्चों, देख लें. देयर डीके हो गया, सॉरी नहीं कहा सकते हमने. हाँ, दिस इज एन अप्रोप्रिएट मोमेंट. अप्रोप्रिएट बच्चों उपयुक्त. दिस इज एन अप्रोप्रिएट मोमेंट, ये एक उपयुक्त क्षण है, यानी सही समय है टू स्टार्ट रिपेयरिंग दैट डैमेज. कि हम उस नुकसान को स्टार्ट रिपेयरिंग, क्या करें? उसकी भरपाई करें, उसे सुधार करने की कोशिश करें. What the public must be told emphatically. बच्चों पता है ये पूरा यहां से emphatically लेकर के ये जो what the public है ना, ये पूरा आपका क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है, फिर से देखें. और ये चूंकि पूरा सब्जेक्ट एक क्लास के रूप में है इसलिए इसकी वर्ब देखिए सिंगुलर ली गई है. देखें, what जो चीज the public must be told, पैसिव है ना, यानी पब्लिक नहीं बताएगी बच्चों, पब्लिक को बताया जाना चाहिए. यानी जो what the public must be told, ऐसे हिंदी बनाना सीख है. what जो the public must be told पैसिव है, तो जो चीज पब्लिक को बताई जानी चाहिए कैसे? इम्फेटिकली, जोरदार तरीके से, जोर देकर. जो चीज जोर देकर के पब्लिक को बताई जानी चाहिए इज वो चीज है क्या? दैट की द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन, कि जो लॉकडाउन में आपको थोड़ी सी राहत दी जा रही है, इज नॉट अ रिटर्न टू लाइफ. ये रिटर्न यहां नाउन है बच्चों, क्योंकि यहां पे ए लगा हुआ है, यानी वापसी. इज नॉट अ रिटर्न टू लाइफ, ये ऐसा नहीं कि रिलैक्सेशन इस बात का सूचक है कि रिटर्न टू लाइफ, टू लाइफ कि हम अपने सामान्य जीवन में वापस आ रहे हैं. एज इट एग्जिस्टेड बिफोर द कोरोना वायरस, जैसा कि कोरोना वायरस से पहले था. नहीं, लोगों को क्या बताए जाने की जरूरत है जोरदार तरीके से? कि आप अभी सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं जैसा जीवन कोरोना वायरस से पहले आप जी रहे थे. इट इज अ न्यू रियलिटी, उन्हें बताया जाना चाहिए यह एक नई वास्तविकता है. वन, एक ऐसी वास्तविकता दैट कॉज फॉर सेफ मेजर्ड एक्टिविटी, जिसको जरूरत है, यानी जिसकी डिमांड है, जो चाहती है, ऐसी आवश्यकता, ऐसी रियलिटी, ऐसी वास्तविकता दैट कॉज फॉर सेफ, कि जिसे जरूरत है सुरक्षित मेजर्ड एक्टिविटी, कि हम ऐसे कार्य करें जिसमें उपाय हो, अर्थात बचने के उपाय हो, सुरक्षित रहने के उपाय हो. ये हर व्यक्ति को, पब्लिक को समझने की आवश्यकता है. आपको भी आवश्यकता है समझने की कि मैं मेहनत करता हूं, ये मेहनत तभी मेरी फलेगी जब आप इसे समझ रहे हो. बच्चों थोड़ा बहुत कमी कहीं हो सकती है, बट आप बेहतर करने की कोशिश करें. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए. शाम को 6 बजे विद एक्सरसाइज मैं आपसे फिर मिलूंगा, और तब तक के लिए आप मुझे अलविदा दीजिए. गुड नाइट, थैंक यू.